अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन डेटाबेस सिस्टम्स। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिक ऑपरेटर्स की और डिस्कस करेंगे कि MySQL में न्यूमेरिक ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इन आवर SQL स्टेटमेंट्स। सो हियर वी आर इन MySQL वर्कबेंच और यहाँ हम सपोज सेलेक्ट और यहाँ पे 10 प्लस सपोज 15 करते हैं और इसको अगर एग्जीक्यूट करें तो यू कैन सी रिजल्ट आपके पास आ रहा है 25 और टेबल का कॉलम का नाम क्या आ रहा है 10 प्लस 15। और जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि इसको अलाइजिस के साथ टेम्परेरी नेम भी दे सकते हैं कॉलम को। सो मैं इसको नाम देता हूँ एज कीवर्ड के बाद जो नाम दूंगा लाइक मैं इसे सम का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। सो इस कॉलम का नाम क्या है आपके पास सम और उसकी वैल्यू क्या आ रही है 25, ठीक है। और इसके बाद सपोज हम करते हैं सपोज 10 माइनस 15 करते हैं और इसको सम नहीं बल्कि यहाँ पे हम इसको दे देते हैं न्यूमेरिक ऑपरेशन। और अगर आप यहाँ पे पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि अगर हम स्पेस देना चाह रहे हैं नाम के बीच में अलाइजिस नेम के बीच में तो हम इसे कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं, अदरवाइज अगर हम सिंगल वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम विदाउट कोटेशन मार्क्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो नाउ रिजल्ट हमारे पास है -5। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट इसका आएगा 150। सिमिलरली आप इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आ रहा है 0.6667। सो ये तो थे, हम डायरेक्ट इनको मैथमेटिकल ऑपरेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इनको अपनी एसक्यूएल क्यूरीज के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं यूज़ करता हूँ डेटाबेस जो हमारे पास है स्कूल डेटाबेस, इसको यूज़ करते हैं और इसके बाद हम इसमें से रिटर्न करते हैं सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स और ये स्टेटमेंट हमें रिटर्न करेगी ऑल स्टूडेंट्स टेबल के कॉलम्स, स्टूडेंट टेबल के ऑल कॉलम्स को रिटर्न करेगी। और सपोज मैं यहाँ से रिटर्न करना चाह रहा हूँ सपोज फर्स्ट नेम एंड एज। सो नाउ हमारे पास सिर्फ दो कॉलम्स आ रहे हैं जो कि क्या है फर्स्ट नेम एंड एज, और अब हमारे पास आ रहे हैं सिर्फ टू कॉलम्स फर्स्ट नेम एंड एज। और अगर मैं यहाँ पे इसको एम्बेड करता हूँ सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ लाइक एज +10, मतलब कि एज में क्या हो जाए 10 ऐड हो जाए, तो अब हमारे पास क्या आ रहा है इसको एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं एज +10 के साथ आ रहे हैं। सो इसको ओरिजिनल के साथ चेक करने के लिए हम क्या करते हैं इसको ड्राइव कर लेते हैं एज एज +10 जो कि ड्राइव एट्रीब्यूट है, और इसको नाम दे देते हैं लाइक एज दिस एज इंक्रीमेंट सपोज करते हैं, ठीक है। सो नाउ इसको अगेन एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास कॉलम का नेम चेंज हो गया है और आपके पास क्या आ रही है एज 5 और +10 हो के आपके पास वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। और आप इस जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आप क्यूरीज को मल्टी लाइन्स के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। सो यू कैन शिफ्ट एन एसक्यूएल स्टेटमेंट ऑन मल्टीपल लाइन्स, ठीक है। और इसी तरह अगर आप कोई और डेटाबेस यूज़ करना चाह रहे हैं लाइक यूज़ कंपनी डेटाबेस और इसको अगर आप रन करें तो आपकी डेटाबेस चेंज हो गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बोल्ड हो गई है कंपनी डेटाबेस, और इसमें से सपोज हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज और इसको रन करते हैं तो क्या होगा सारे एम्प्लॉयज के कॉलम्स टेबल के कॉलम्स क्या होंगे रिटर्न होंगे आपके सामने। और यहाँ पे एरर आ रहा है कंपनी डॉट एम्प्लॉयज डजेंट एग्जिस्ट, एक्चुअली यहाँ पे स्पेल मिस्टेक है EMPLOY। ओके अगेन इसको रन करते हैं तो हियर यू कैन सी आपके सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं। सपोज हम क्या करना चाह रहे हैं सैलरी में ऐड करना चाह रहे हैं समथिंग। सो मैं क्या करता हूँ ये सारे कॉलम्स हों प्लस मेरे पास एक और कॉलम हो जो कि क्या हो सैलरी +50 का हो, ठीक है। मतलब ये फोर कॉलम्स एज इट इज़ रहें और एक कॉलम और ऐड हो जाए जो कि क्या हो सैलरी +50। सो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो हियर यू कैन सी अब आपके पास
चार के बजाय पांच कॉलम है, पांचवा कौन सा है? सैलरी प्लस 50, ठीक है। और सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ एस न्यू सैलरी। अब चूंकि ये स्पेस के साथ है, इसको मुझे कोटेशन मार्क्स के अंदर रखना पड़ेगा, सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो अब इसका क्या हो गया, नाम चेंज हो गया न्यू सैलरी, और न्यू सैलरीज क्या है, ओरिजिनल सैलरीज में 50 ऐड है। सो ये तो था अबाउट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और न्यूमेरिक एक्सप्रेशन इन एसक्यूएल, माई एसक्यूएल और माई एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। सो दैट्स इट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।